उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन ये आती है अगर जो भी हमारी इवन नंबर ऑफ डिजिट्स हैं लेट्स से हमारा टेक नंबर होता है टू जीरो हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर फोर नंबर ऑफ डिजिट्स आर देयर ठीक है फोर नंबर ऑफ डिजिट्स तो फोर इज अ इवन नंबर तो मतलब सही है हमारा पहली कंडीशन ट्रू हो गई दूसरी कंडीशन क्या रहती है हम लोग फिर नंबर को मिड वे से डिवाइड करते हैं इन टू टू तो इसको हम लोग कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इसको बोल सकते हैं हम राइट हैंड साइड ठीक है तो हमने क्या कर दो में डिवाइड कर दी दो में डिवाइड करने के बाद हम लोग एक वेरिएबल लेंगे सम नाम का और उसमें हम लोग लेफ्ट हैंड साइड प्लस आर एच एस को हम लोग इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी और उसके बाद ये जो आएगा हम लोग इसका स्क्वायर कर देंगे फोर्टी फाइव का स्क्वायर कितना हो जाता है टू जीरोक्वल टू द ओरिजिनल डिजिट देन इट इज कॉल्ड अ टेक नंबर सो इट वॉज अ वेरी इजी एग्जाम्पल हम लोग अगर six digits के लिए तो लेट से नंबर है तो हम लोग क्या करेंगे तो पहला कंडीशन हमारे ट्रू हो गया हम लोग इसको नंबर को टू पार्ट में डिवाइड करेंगे टू पार्ट में डिवाइड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे सिंपली टू जीरो टू फाइव प्लस फाइव वन टू का हम लोग सम कर देंगे सो दिस कम्स आउट टू बी फोर वन सेवन फिर हम लोग इसका स्क्वायर 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 कर देंगे इफ़ दिस इज टू मैंने भी इसका इसका करा नहीं है लेट्स से स्क्वायर अगर यही सेम नंबर आता है सो इट इज अ टेक नंबर तो मैं को जो फंडा निकालना है वॉट इज माई मेथड मैं क्या करूंगी पहले सम ऑफ डिजिट्स काउंट कर लूंगी हर नंबर की हर नंबर की सम ऑफ डिजिट्स काउंट कर लेंगे सम ऑफ डिजिट्स काउंट करने का हम लोग क्या करेंगे सबसे बेस्ट

उसका हम लोग क्या करेंगे अब हमें क्या करना है बस सिंपली हम लोग क्या करेंगे लेफ्ट वाली डिजिट्स को हम लोग स्टोर करने के लिए क्या करेंगे जो भी ओरिजिनल नंबर है उसको डिवाइड बाय कितना कर देंगे अगर टू करना है तो मतलब हम लोग डिवाइड बाय हंड्रेड कर देंगे ठीक है और हमें राइट हैंड साइड चाहिए तो हम लोग राइट right के लिए क्या करेंगे नम मॉडुलस हंड्रेड ठीक है तो ये क्या होता है एक तरह से एक फॉर्मुला होता है कि मतलब अगर हमें जितनी भी डिजिट्स चाहिए अपनी लेफ्ट हैंड साइड में तो हम लोग जितनी डिजिट चाहिए टू चाहिए तो हम लोग डिवाइड बाय हंड्रेड करेंगे मतलब टेन की पावर टू कर देंगे अगर मुझे लेट से मुझे थ्री डिजिट चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में तो हम लोग क्या करते हैं टेन की पावर थ्री तो मुझे थ्री साइड की और राइट हैंड साइड के लिए हम लोग मॉडल कर देते मॉडल थाउजेंड तो हमें थ्री डिजिट्स मिल जाती राइट हैंड साइड की मतलब लास्ट थ्री डिजिट्स मिल जाती हमें इन शॉर्ट ठीक है तो ये आपको पता होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड मतलब हो गया स्टार्टिंग के थ्री डिजिट्स राइट हैंड साइड मतलब हो गया लास्ट के थ्री डिजिट्स तो आइए अब यही हम लोग अब अपना एक बार ड्राइव करके देख लेते हैं क्या मैंने जो लॉजिक लगाया था वो बिल्कुल सही था कि नहीं

काउंट नंबर ऑफ डिजिट्स तो ये काउंट नंबर ऑफ डिजिट्स मैंने आपको बहुत बार सिखाया हुआ है लूप में तो हम इसको रिपीट नहीं करेंगे जिसको नहीं पता काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है हाउ टू काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स तो, तो यहाँ पे अब डी की डायरेक्टली वैल्यू फोर आ जाएगी ठीक है जिसको नहीं पता काउंट कैसे करें नंबर ऑफ डिजिट्स को वीडियो मैंने मैंने वीडियो बनाई हुई है उसके ऊपर ऑलरेडी आप उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं फिर आप इस वीडियो पर दोबारा से बैक आ सकते हैं तो अब हमने डिजिट्स काउंट कर ली फोर आ गई तो देखिए मतलब, तो 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 अब, अब, अब क्या करेंगे अपने डी जो डिजिट्स हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे ताकि पता चला कितने पार्ट में डिवाइड करना है तो के इक्वल्स टू टू हो गए क्योंकि टू अब मैंने क्या करा मेरे को क्या करना था मेरे हंड्रेड हंड्रेड लाना ना दोनों तरफ तो मैंने क्या कर दिया मैथ डॉट पावर पी में क्या कर दिया मैथ डॉट पावर टेन कॉमर टू तो मतलब अब मैं क्या करूंगी लेफ्ट लेफ्ट इज इक्वल टू नम नम हमारा क्या है टू जीरो टू फाइव क्या कर देंगे डिवाइड बाई पी पी मतलब हंड्रेड तो लेफ्ट में क्या आ गए पहले की दो डिजिट गया राइट में क्या आएगा मैंने आपको सिखाया था राइट में हमें क्या करना पड़ेगा मॉडुलस करना पड़ेगा तो टू जीरो टू फाइव आप देख सकते हो मैंने मॉडुलस पी करा है तो मॉडुलस पी तो दैट इज हंड्रेड तो कितना आएगा रिमाइंडर हमारा रिमाइंडर आएगा ट्वेंटी अब मैंने क्या करा है सम इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट लेफ्ट कितना है ट्वेंटी राइट right कितना है सो so, प्लस कर दोगे तो कितना आ गया ये इट इज फोर्टी फाइव सम आ गया फोर्टी फाइव मैंने क्या करा एस इंटू एस मतलब इंटू फोर्टी फाइव ये कितना हो जाएगा एस एस इज इक्वल टू टू जीरो नो अब 2025 चेक करेगा इज़ इक्वल 2025. 2025 2025. तो yes, है. है, तो एक आइडिया था लेट से अगर हमारा यहाँ पे के आता सिक्स हमारा डी अगर सिक्स आता तो के की वैल्यू क्या हो जाती है थ्री तो हम लोग क्या करते हैं मैथ डॉट पावर टेन रेस टू दावर के मतलब क्या हो जाता 10 पावर थ्री तो फिर थाउजेंड हो जाता तो हम लोग यहाँ पे थाउजेंड से डिवाइड करते ओके okay, और थाउजेंड से हम लोग मॉडल करते हैं। ये एक बेसिक फंडा था आई होप यू वुड लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली गो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू काइंडली लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग